हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू IFS प्लेटफॉर्म। सो उम्मीद करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स ने टाइमली CSIR नेट एग्जामिनेशन के फॉर्म्स तो फिल कर दिए होंगे, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई एरर हो गया था, ठीक है, जल्दी जल्दी भरते समय फॉर्म को, सो अभी करेक्शन विंडो भी ओपन है। देखिए, जो 11 जुलाई को पब्लिक नोटिस था, ये पब्लिक नोटिस वॉज क्लियरलिंग, जो कि 11 जुलाई को पब्लिश हुआ था, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो उसमें साफ साफ मेंशन था दैट द लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल फी ट्रांजैक्शन विल बी व्हाट, इट विल बी 10th of August, जो कि हो चुकी है ना। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने फॉर्म बहुत अच्छे से भरा होगा, फिर भी अपने फॉर्म को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि जब आपका CSIR नेट का सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है तो उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू योर मार्कशीट्स। तो अपने नाम की स्पेलिंग, अपना जो मिडिल नेम है वो बाद में लिखा है, पहले लिखा है, ये सब चीज़ें एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स जानते थे कि हाँ करेक्शन विंडो ओपन होती है तो हम तब करेक्शन कर सकते हैं, उन्हें पता था गलती हो गई है, तो अभी आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। करेक्शन विंडो इज़ ओपन फ्रॉम 12th of August to 16th of August, तो आज से विंडो ओपन है, आप जाइए NTA की वेबसाइट पे और करेक्ट कर सकते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल भी कर लिया है वो एक बार चेक कर सकते हैं कि कोई गलती तो हमसे नहीं हुई है। देखिए, बहुत छोटी छोटी गलती हो जाती है, सैल्यूटेशन सेलेक्ट करने में गलती हो जाती है, मिस्टर का, मिस का, मिसेज हो जाता है, बहुत बार ही छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है, सैल्यूटेशन हो, हमारा नंबर हो, सो हमारा ईमेल आईडी हो, एंड चलिए ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी है, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आर नेम एंड एड्रेस, उसको बहुत अच्छे से चेक कर लीजिए। जो आपके 10th 12th की मार्कशीट्स पे आपके नाम की स्पेलिंग लिखी है, कोशिश करिए कि वही चीज़ें आपके CSIR नेट के सर्टिफिकेट पर भी आए, ठीक है। सो इंश्योर कर लीजिए एप्लीकेशन विंडो का जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो चुका है, एंड बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि मैंने तो करेक्ट ही फॉर्म भरा है, एक बार चेक करने में कुछ नहीं जाएगा, डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं। So stay tuned for more such update to IFS. Thank you so much everyone and happy learning.